नमस्कार मित्रों, बीके गाइड चैनल में आपका स्वागत है। नेमिंग के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आपने उसे देखा होगा। उसमें किसी सेल को नाम देने के लिए एवं कांस्टेंट को नाम देने के लिए मैंने सिखाया था और उसका कैसे उपयोग किया जाता है ये भी मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं नेमिंग के बारे में और आगे बताने वाला हूँ। अब इसमें देख, हम लोग सेल और कांस्टेंट के अलावे रेंज को भी नाम दे सकते हैं और एक फार्मूले का भी नया नाम दे सकते हैं। जैसे ये रेंज है मेरा, देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक ये नेम रेंज है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका नाम देते हैं। पहले हम लोग नेम मैनेजर से नाम देते थे या डिफाइन नेम से, अब एक और आसान तरीका नाम के लिए बताते हैं। यहाँ पर है आपको बाईं तरफ देखिए नेम बॉक्स, इसको जस्ट क्लिक कीजिए और आप सिलेक्शन के बाद इसको क्लिक कीजिए और उसमें जो भी नाम देना चाहते हैं आप नाम दे दीजिए। जैसे एक शॉर्ट नाम हम यहाँ दे देते हैं EST, ये दे दिए नाम और इसके बाद इंटर कर दीजिए। अब ये इसका नाम हो गया। इसी तरह से ये देखिए एक क्वांटिटी है, इसको भी एक नाम देते हैं। यहां से यहां तक सेलेक्ट किए और इसको अभी हम नाम सिलेक्शन के बाद वही नेम बॉक्स में जाते हैं और क्वांटिटी ही नाम दे देते हैं। इंटर किया, हो गया ना। अब इसमें अब उस रेंज को अगर जिसका नाम दिए हैं सेलेक्ट करना हो तो फिर से नेम बॉक्स में जाइए और ये ड्रॉप डाउन को करेंगे तो आप नीचे देखिए नाम लिखा हुआ आ जाएगा। अब क्वांटिटी वाले को जैसे करेंगे तो देखिए जो था रेंज वो सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप। उसको सेलेक्ट करना इस तरह से बहुत आसान है। इस तरह से EST जो दिए थे पूरा नाम वो सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो जैसे इसको पूरा को अगर कहीं हमको कॉपी करना है तो दूसरे सेल में जैसे इसमें चले जाते हैं हम लोग और मान लीजिए कि इसे कॉपी करना है तो ये रेंज को सेलेक्ट किया और यूज इन फार्मूला में से जैसे EST को हम लोग क्लिक करते हैं और अब इसको चूंकि रेंज है इसलिए कंट्रोल शिफ्ट और इंटर एक साथ क्लिक दबाते करते हैं, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट इंटर का इसमें उपयोग करना होगा तभी आपका आएगा। ये देखिए वहां जो भी था सब आ गया, यहां पर कॉपी हो गया। अब फॉर्मूले का कैसे नाम देते हैं ये भी आपको बताते हैं। जैसे ये क्वांटिटी में हम लोग नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए क्या करते थे कि इक्वल के बाद प्रोडक्ट, इक्वल दिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक रेंज को सेलेक्ट करके और ये इंटर करते थे तो ये कैलकुलेशन आ जाता था और फिर इसको कॉपी करने के लिए यहाँ पर इसको क्लिक करने से हो जाता था। लेकिन एक और तरीका हम इसको बताते हैं आपको। एक इसका नाम फॉर्मूले का क्रिएट करते हैं, जैसे अब इसमें चले जाते हैं हम लोग डिफाइन नेम में और इसका एक नाम दे देते हैं। जस्ट आप QT नाम दे दीजिए इसको, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। QTT ऐसे नाम दे दिए। अब यहाँ पर जो रेफर्स टू है फील्ड, इसमें इक्वल के बाद लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट और ब्रैकेट के अंदर A4 यहां टाइप करना होगा आपको कॉलन D4।
डी फोर और इसको ओके कर दीजिए। अब इसमें देखिए कैसे आराम से उपयोग होता है। अब यहाँ यूजिन फार्मूला लगाने जगह ये दिए थे हम क्यू ट्रिपल टी, इसको जैसे ही इंटर करेंगे वहाँ आ गया, और इसको अब क्लिक करते हैं सब में आ जाता है। इस तरह से हमने एक फॉर्मूले का एक नाम दे दिया। यहाँ पर देखिए वो प्रोडक्ट नहीं लिख रहा है, वो जो नाम है वो आएगा। अब इसका कहीं भी और उपयोग कर सकते हैं हम लोग, दूसरे जगह भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये हम ले लेते हैं कुछ कोई फिगर, और अब इसका प्रोडक्ट हमको निकालना था उसी तरह से, तो यहाँ वही फार्मूला अगर डाल देते हैं तो उसका कैलकुलेशन देखिए आ जाएगा। ये और ये आ गया, ये इस चारों सेल का प्रोडक्ट यहाँ पर ये आ गया। इस तरह से ये एक फार्मूला क्रिएट किया और इसका कहीं भी आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से एक और फार्मूले का क्रिएशन हम बताते हैं नाम दे करके। नाम का ये डिफाइन नेम में जाते हैं। सपोज कीजिए कि सप्ताह का आज कौन सा दिन है उसका हम नाम एक देना चाहते हैं, तो उसका नाम दे देते हैं दिस डे, दिस डे। और यहां हम इसलिए लिखते हैं इक्वल के बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद टू डे फंक्शन, टू डे और दिन के लिए आपको चार बार डी डी करना, डी डी डी। ओके कर दीजिए। अब एक फार्मूले का नाम क्रिएट हो गया। अब इसको यूज इन फार्मूला की जैसे ही कीजिएगा आप, दिस डे है तो आज कौन सा दिन है और नाम आपका आ जाएगा सैटरडे। अब दूसरे दिन अगर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो उस दिन का नाम आएगा। इस तरह से फॉर्मूले का आप एक नाम दे सकते हैं, रेंज का नाम दे सकते हैं, और ये आगे बहुत काम आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बीके गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।